So the next method is profitability index method. We also call this method benefit cost ratio method or desirability factor method. So profitability index method is just, the method is just a small improvement in NPV, we can say, or we can say companies, if companies are using CB technique, this profitability index method, so they can use NPV method simultaneously, or when they are using NPV, they can calculate in profitability index method simultaneously, because when the companies are using both the methods at a particular time, so the result will be more refined. ज़्यादा अच्छा रिजल्ट उनको मिलेगा अगर दोनों मेथड यूज किए जाते हैं. देखेंगे वो कैसे. सो सिमिलरली प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, एज आई टोल्ड यू, द मेथड नेम इज ऑल्सो बेनिफिट कॉस्ट रेशियो, सॉरी बेनिफिट कॉस्ट मेथड, बेनिफिट कॉस्ट रेशियो मेथड. सो दिस इज द नेम. सो एज द नेम इज सेइंग, द फॉर्मूला इज ऑल्सो दिस मच, दैट इज बेनिफिट ओवर कॉस्ट. So this should be the answer, this should be the formula, that benefit over cost हम कर देंगे. Project से benefit कितना आ रहा है आपको और project से cost कितना पड़ा, so that ratio you will get out of this particular formula. Similarly हम NPV में क्या formula होता था हमारा, NPV में हमारा formula to calculate NPV, the formula was present value of inflow minus present value of outflow. This was the formula to calculate NPV. And to calculate PI, that is profitability index, the formula is present value of inflow, because this is index, so divided by present value of outflow. सेम दो चीजों का यूज कर रहे हैं, बट वी आर डिवाइडिंग हियर. एनपीवी में हम माइनस कर रहे थे, इसमें हम डिवाइड कर रहे हैं टू कैलकुलेट पीआई. एंड एनपीवी, व्हाट इज एनपीवी, एनपीवी इज द डिफरेंस बिटवीन टू, एंड दैट दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला विल गिव यू अ वैल्यू एडेड, दैट द वैल्यू, द प्रोजेक्ट इज एडिंग अ वैल्यू इन द पर्टिकुलर कंपनीज प्रॉफिट. एंड पी आई विल लेट यू नो, जब आपके पास आंसर आएगा आपको पता चलेगा ये क्या बताने वाला है. दैट द पी आई विल बी गिविंग यू, विल गिव यू आंसर दैट कंपनी एक रुपए के पीछे कितना पैसा कमाने वाली है. सो दैट वाई वी आर गोइंग टू टेल दिस मेथड इंडेक्स. ये इंडेक्सिंग करेगा कि एक रुपए के पीछे कितना. सो दैट विल बी द केस. सो दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट ग्रॉस पी आई. ग्रॉस पीआई का ये रहेगा. और इफ यू वॉन्ट टू कैलकुलेट पीआई नेट, सो द फॉर्मूला टू कैलकुलेट पीआई नेट विल बी व्हाट यू कैन डू, पीआई ग्रॉस जो आपके पास आया है, यू कैन जस्ट माइनस द पीआई ग्रॉस वैल्यू वन फ्रॉम द पीआई ग्रॉस वैल्यू, यू विल गेट पीआई नेट वैल्यू. सो दैट विल बी द केस टू कैलकुलेट पीआई ग्रॉस और पीआई नेट. सिमिलरली वी विल सी एनपीवी और इसका, क्योंकि एसेप्ट रिजेक्ट का जो फंडा है वो सेम है दोनों में. वॉट वी वर डूइंग इन एनपीवी, एनपीवी में हम क्या कर रहे थे, दैट इफ एनपीवी इज इक्वल टू जीरो और इफ एनपीवी कम्स पॉजिटिव, सो हम क्या करते थे, वी एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट, वी एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट. सिमिलरली वेन एनपीवी बिकम्स नेगेटिव, वी रिजेक्ट द प्रोजेक्ट. दिस वॉज द केस. सिमिलरली पीआई में जो हमारा इंडेक्स रहेगा, दैट इज रूपी वन और वन वी कैन से. सो पीआई में इफ पीआई इज इक्वल टू वन, दैट मीन्स एनपीवी इज इक्वल टू जीरो. सेम है अगर बाय चांस हम एनपीवी निकाल रहे हैं. देखिए एनपीवी अगर निकाल रहे हैं, एनपीवी आपने इनफ्लो किया 1 लाख का और आउटफ्लो भी 1 लाख का होगा, सो द आंसर विल बी जीरो. अगर यही पीआई होता, पीआई निकालते तो क्या करते, 1 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख, आंसर क्या आता, 1. सो व्हेन एनपीवी इज जीरो इट मीन्स पीआई इज 1. सो व्हेन एनपीवी इज जीरो वी आर एक्सेप्टिंग, सो व्हेन एनपीवी पीआई इज 1 दैट इज ऑल्सो वी कैन एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट. बट व्हेन पीआई इज मोर देन 1, एक से ज्यादा हो, दैट इज बेटर ऑप्शन, दैट मीन्स वी शुड एक्सेप्ट.
सो अगर यही पे हम कर देते 1,20,000 इन्फ्लो है तो आपका एनपीवी आ जाता 20,000 वैल्यू एड होगी। सिमिलरली हम यहाँ पे क्या कैलकुलेट करते 1,20,000 ऊपर आ जाता और हमारा आंसर आ जाता 1.20। आर आंसर शुड बी 1.20। अब इस 1.20 का क्या मतलब है, व्हाट इज द इंटरप्रिटेशन, दैट कंपनी 1 रुपए के पीछे 20 पैसा कमाने वाली है। अगर कंपनी 1 रुपया लगाएगी उसे 20 पैसे का प्रॉफिट होगा। ऊपर वाले में आ रहा था 1 रुपया लगा रही है 1 रुपए ही वापस मिल रहा है, लेकिन अगर यहीं पे 80,000 होता इट मीन्स कंपनी इज इन नेगेटिव पोजिशन, जितना उसने लगाया उतना भी उसे वापिस नहीं मिला। सिमिलरली इफ पी आई इज नेगेटिव मीन्स लेस देन 1 वी विल रिजेक्ट द प्रोजेक्ट। We will reject the project. So this will be the case to calculate profitability index. Profitability index simple आपने क्या करना है, discounted P आपको present value of inflow calculate करना आता है, present value of outflow calculate करना आता है. You just have to calculate present value of inflow and outflow and then the values you have to divide with each other. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो डिवाइडेड बाय आउटफ्लो, जैसे हमने ये किया, दिस इज द आंसर दैट इज 1 पॉइंट। सो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला जो हमने इस सम में किया, हमारा आंसर जो मैंने निकाला है, माई आंसर इज फॉर एग्जाम्पल पी आई ग्रॉस जो मैंने निकाल दिया, अगर आपको ग्रॉस और नेट दोनों निकालने को बोला है, ग्रॉस इज 1.20 एंड इफ यू हैव टू कैलकुलेट पी आई नेट, आपको नेट भी कैलकुलेट, नेट मतलब कि कितना पी आई, तो आपको ग्रॉस को ग्रॉस बताएगा कि टोटल कितना मिलेगा। आपको टोटल 1 रुपया 20 पैसा मिल रहा है 1 रुपया लगाने पे, लेकिन हमने देखना है 1 रुपया तो आपने ही लगाया था, आपको एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है, तो एक्स्ट्रा जो निकलेगा वो निकलेगा 1.20 माइनस 1 करके, दैट इज 0.20। सो नो वेरी सिंपल मेथड, यू कैन कैलकुलेट दिस मेथड वेरी इजिली। जस्ट आपको पता है ये दोनों वैल्यूज कैसे निकलती हैं, एनपीपी में सीखा हुआ है, आईआरआर में सीखा हुआ है, एंड यू कैन जस्ट डिवाइड दीज एंड यू विल गेट ग्रॉस, और अगर जो वैल्यू आता है उसको माइनस 1 कर देंगे यू विल गेट द नेट आंसर।